हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सरजी सत्य में। आज हम बात करेंगे कि एसएसटी में हाउ टू गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर हम एसएसटी पढ़ नहीं पा रहे हैं, एसएसटी में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतने सारे लेसन हैं, इन सबको कैसे याद रखें कि हमें नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया सब कुछ याद करना पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। और इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतने सारे चैप्टर्स के बाद सुबह को रटो, शाम को सफा, सुबह स्कूल में पेपर देने पहुंचे, सब कुछ खत्म। मतलब पता ही नहीं रहेगा कि पेपर में आना क्या है और हमने पढ़ा क्या है। हम पढ़ते किसको हैं? अगर हम पढ़ते अपने हिस्ट्री में किसी गांधी जी का कोई नेशनल मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट वाला हम लिख देते हैं उसकी सेकंड डेट, या फिर हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस डेट में हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर इस डेट में हुआ था, हमने क्या लिख दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1941 में हुआ था और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था। आई थिंक बहुत सारी मिसकन्फ्यूजन्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में सेट नहीं हो पाती, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटिकल सारी अलग हैं, सब कुछ अलग है। अगर हम पढ़ते पावर शेयरिंग क्रेडिट के बारे में तो सब मिक्स कर देते हैं कि कौन सा क्रेडिट, कौन सा लोन कब देती है बैंक। मतलब ये टेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, इस टाइम पे कन्फर्मली कि हम कैसे गेन कर सकते हैं स्कोर। तो सबसे पहले आप अपने पढ़ने का तरीका बदलिए, पढ़ने का तरीका ही आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिला सकता है। अगर मैं एसएसटी के पेपर की बात करूं तो आपके पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी चीज़ें आपको कन्फर्मली कवर करनी पड़ती हैं, तो वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस स्टडी, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और मैप। बहुत से बच्चे कहते हैं कि भाई हम मैप में क्या फिल करते हैं, मैप हमें लर्न नहीं रहता, कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं बुक में अगर हम मैप में देखे जाएं, तो उनमें कैसे हम फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो आपको एसएसटी में 100 मार्क्स लाने की गारंटी रखती है। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करके जाना, लेकिन पूरी देखने के बाद ही डिसलाइक करना वीडियो को। तो अब हम बात करते हैं कि एसएसटी के लिए लास्ट टाइम में प्रिपेयर करने का क्या तरीका, लास्ट टाइम हो या आपका स्टार्टअप हो, आपको पढ़ने का तरीका नहीं चेंज करना है। सबसे पहले आपको समरी पढ़नी है। समरी के लिए सबसे बेस्ट बुक ऑल इन वन को मैं सजेस्ट करता हूं पर्सनली, क्योंकि आप एक पूरी बुक को एक साथ नहीं पढ़ सकते। अगर आपके पास लास्ट टाइम है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। तो आप ऑल इन वन की बुक परचेज कीजिए, अरिहंत पब्लिकेशन की होती है, सीबीएसई क्लास 10th के लिए। ऑल इन वन बुक परचेज कीजिए और उसमें आप देखिए कि एसएसटी का पूरा चैप्टर सिर्फ एक पेज में समरी में गिवन है। उसमें आपको पता लगेगा कि क्या क्या हुआ था पूरे चैप्टर में। जैसे हमारा जो फ्रीडम हुआ था इंडिया का, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या क्या मेन फैक्टर थे, रॉलट एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं, उन सबको सिर्फ टॉपिक वाइज टॉपिक डिफाइन किया गया है। तो आप समरी को पढ़ने के लिए आप एसएसटी की बुक में ऑल इन वन को ही लीजिए और उससे आप पूरी समरी को, मतलब पूरे चैप्टर की समरी को एक पेज में बहुत कम टाइम में पढ़ सकते हैं। इससे आपको समरी पता चल जाएगी तो आपके माइंड में चैप्टर आ जाएगा कि नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर अगर आप और अदर पार्ट की बात करते हैं तो पावर शेयरिंग क्या है, फिर या फिर क्रेडिट क्या है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिर्फ समरी के तौर पे पता लग जाएंगी कि नेशनल पार्टीज क्या होती हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक सबको मिक्स करके मैं आपको इस वीडियो को बता रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद केस स्टडी, केस स्टडी इस साल ऐड होने वाला एक टॉपिक हम कह सकते हैं, कई सारे पेपर्स में, मतलब कई सारे एग्जाम्स में इस बार ऐड हुआ है। जैसे मैथ्स के पेपर में भी केस स्टडी पहले तो नहीं आती थी, लेकिन अब जो नया टॉपिक ऐड किया है क्योंकि पेपर को आसान और थोड़ा सा क्रिटिकल बेस, मतलब थिंकिंग बेस बनाने के लिए, ताकि आपका माइंड सेट हो सके। तो केस स्टडी के लिए ये थोड़ी ना होता है कि आपको वो छोटा सा पैराग्राफ दिया आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। तो आप अगर समरी को पढ़ते हैं ना तो केस स्टडी आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी, लेकिन क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स कंटेन करते हैं, अप्रॉक्स 32-35 मार्क्स केस स्टडी और मल्टीपल चॉइस कंटेन करते हैं, तो आपको पूरे चैप्टर की समरी पता होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक पेज की समरी पढ़ के केस स्टडी और ये मल्टीपल चॉइस सब कुछ कर सकते हैं, कि बहुत कम लेसन पढ़ने आपके, काफी सारे लेसन रिड्यूस हुए हैं। तो आप सोचो कि 12-15 लेसन आपको कंप्लीटली पढ़ने हैं एसएसटी में, उसमें आप सोचो कि आप एक एक पेज, दो दो पेज पढ़ के आप मार्क्स तो अच्छे गेन कर सकते हो, उसके शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आप सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस सही नहीं कर सकते हो। तो सारे सही करने के लिए ऑल इन वन के जितने भी क्वेश्चंस हैं सिर्फ आप उनको ट्राई करो। अगर आप इस टाइम पे देखो, जब आप समरी पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगी कि क्या क्या पूछा गया है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, अगर मैं लेसन में, मतलब जो नेशनल पार्टीज है हमारी उनकी बात करता हूं, तो उनमें पूछा जा सकता है कि भाई बताइए आप मल्टीपल चॉइस में कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, मतलब कांग्रेस फर्स्ट टाइम कब सिचुएटेड हुई थी, किसने की थी और कब की थी। तो आपको सन ध्यान रखने की, आपको डेट क्या है कि 1885 में बीजेपी कब बनी थी और उसका जो मेन लीडर क्या था वो कौन था, या फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज किस चीज पर वर्क करती है कि क्या चीज हम डेवलप कर सकते हैं, वो आपको मल्टीपल चॉइस में, केस स्टडी में सकता है। या फिर कोई आपको टॉपिक दे सकता है कि जैसे महात्मा गांधी ने जो अपना स्टार्ट किया था
जितने भी उनके जो आंदोलन टाइप थे वो उनने स्टार्ट किए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहां पे स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था। तो केस स्टडी में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको पूरे मार्क्स दिला सकते हैं अगर आप इस टाइप से इसको एसएसटी को लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका अपना थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, तो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का अच्छे खासे मार्क्स कंटेन करवाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका बच्चे क्या चार लाइन में, पांच लाइन में, छह लाइन में लॉन्ग क्वेश्चन खत्म, या फिर उसमें गिवन हो गए 100 to 120 वर्ड्स के लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, तो क्या आप 100 या 120 वर्ड्स में फिनिश कर देंगे? अब नेशनलिज्म इन इंडिया को डिस्क्राइब करने को कह दिया, तो आप क्या बस ये लिख देंगे नेशनलिज्म स्टार्टेड इन कितने से, ये हुआ था, फिर ये हुआ था, मतलब आप थोड़ा बहुत लिख के दो चार छह लाइन में इसको खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, एसएससी को लिखने का और करने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखने का और करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके आपसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछा जाता है तो आप सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को डिफाइन कीजिए। आई थिंक मैं पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा राजनीति के कारण थोड़ा इंटरेस्ट है उसमें, इस चक्कर में मैंने सोचा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको बताया जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहले, अब आप थोड़ा ना कि पॉलिटिकल पार्टीज में आप सीधे लिख लो नहीं बीजेपी ये बस हो गया, चार छह लाइनें लिख दी, आप उसको डिफाइन करने का तरीका चेंज करो लॉन्ग क्वेश्चन को, आपको बहुत सारे मार्क्स दिला सकता है ये। मतलब डिफाइन करने का सबसे पहले आपने पॉलिटिकल पार्टीज हेडिंग डाला, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या जरूरी है, एक तो लीडर जरूरी है, फिर उसमें एक्टिव मेंबर्स जरूरी है, फॉलोअर्स जरूरी है। तो लीडर, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स, अगर आप ये ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के ब्लू पेन से लिखते हैं तो आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगने लगेगी और आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा डिफाइन, कम से कम लिखना और ज्यादा से ज्यादा डिफाइन करना। कि अपने आप ही जब आप लिखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज, आपने लिखा पॉलिटिकल पार्टीज के बाद आप उसमें लिख दो एक ऐसे चार्ट बना के लिख दो कि इसके लिए क्या जरूरी होता है। सबसे पहले आपको पता है लीडर जरूरी होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। लीडर के बाद हमारे पास उसके बाद आते हैं एक्टिव मेंबर्स, आते हैं एक्टिव मेंबर्स के बाद हमारे पास क्या आते हैं कि उसके फॉलोअर्स कितने उस पार्टी के। तो यहां से हमारा पहले पार्टी के बारे में आपको डिफाइन करना है और पॉलिटिकल पार्टीज के बाद फिर पार्टीज कितने टाइप्स की हैं। फिर आप ये भी बता सकते हो कि वन पार्टी सिस्टम क्या है, या फिर टू पार्टी सिस्टम क्या है, या फिर मल्टीपल पार्टी सिस्टम क्या है। जैसे वन पार्टी सिस्टम जो कि अप्लाई होता है चीन में वन पार्टी सिस्टम है, या फिर अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पे टू पार्टी सिस्टम है कि दो ही पार्टी होती है। और अब अगर अपने इंडिया की बात करते हैं तो यहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में यानी कि अगर हम यहां पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताएं तो 2014 तक जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पार्टी है वो पता है कितनी है, 760 रजिस्टर्ड पार्टी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक डेट के अकॉर्डिंग। वैसे तो डेली कोई ना कोई अपनी नई पार्टी रजिस्टर कराता ही है, तो उससे रिलेटेड तो आप उसको डिफाइन करने का तरीका सीखो। ये नहीं कि उसके बाद कौन कौन सी जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं या कौन कौन सी हमारी स्टेट पार्टीज हैं उनके बारे में आप समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा मैप बनाओ कि कहां पे। अब मैप में पूछा जा सकता है, जैसे आप यूपी में रहने वाले हैं, आपके पेपर में जितने भी पार्ट है तो आपके पता ही यहाँ पे ये सेट आने वाला है, तो उस सेट में ऐसा हो सकता है कि वो थिंक करके ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि आपकी यूपी की एक ऐसी पार्टी बताइए, या फिर आप अपनी एक स्टेट पार्टी का नाम बता दीजिए, उसका सिंबल है उसके बारे में डिफाइन कर दीजिए कि क्या क्या है और उसमें क्या क्या जरूरत होती है। तो उसमें भी तो आप लिख सकते हैं कि इस पार्टी के लिए हमारे पास लीडर होना चाहिए, उसके एक्टिव मेंबर्स होना चाहिए और उसके फॉलोअर्स होना चाहिए। फॉलोअर्स की, अगर मैं लीडर की आपको एक्सप्लेनेशन की बात करता हूँ साथ में इसी वीडियो के, तो जैसे नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी के लीडर है और जो उनके एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमारे कौन है, एक्टिव मेंबर्स हैं, और हम लोग या आप लोग उनके फॉलोअर्स हैं। अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो आप कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं। जितनी जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं आप उसके फॉलोअर्स ही तो हैं। और उसके जो हमारे जो पार्लियामेंट्स के मेन लीडर हैं वो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं वहाँ पे, और जो हमारा लीडर है वहाँ पे, जैसे जो हमारा जैसे नरेंद्र मोदी इस समय पावर में है तो वो पीएम है तो वो लीडर है। ऐसे ही अगर कांग्रेस के लीडर की बात करते तो आप जानते ही कौन है बाकी आपकी। अब हमारे कितने टॉपिक्स क्लियर हो गए, एक मल्टीपल चॉइस और ये केस स्टडी और ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत आपको बहुत कम डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन एक्जैक्टली वही बताना पड़ता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली करते हैं अगर आप लॉन्ग पे फोकस करते हैं। अब मैप की बात करता हूं मैं कि मैप को हम कैसे डील करें। तो मैप को मतलब एसएसटी में मैप को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप सबसे पहले जो लास्ट ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मैप के आए हुए हैं पेपर में, उन सबको आप कॉपी पे लिखिए, उन सबको कॉपी पे लिखिए, उनके आंसर्स लिखिए, उनको मैप पे फिल कर लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है मैप में तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अदरवाइज आप थोड़ा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं कि आपको 100 से एक मार्क्स भी नहीं, एक मार्क्स का भी आप अपना साथ नहीं करना चाहते कि मेरा एक मार्क्स भी कटे, तो उसका भी एक तरीका है कि आप जितने भी मैप की एक्सरसाइज हो उन मैप की एक्सरसाइज को देखिए, उन सबको याद कीजिए और उनको मैप के फिल करके देखिए। ये बहुत बेस्ट तरीका है कि आप इससे मैप को भी बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। ये वीडियो आपको 100 out of 100 मार्क्स दिलाने की गारंटी देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।